ओझा लोग तो अंधविश्वास में इतना भी भूल जाते हैं, जैसे अगर बगल में किसी के यहाँ कोई ओझा बैठ गया, बोले कि साला हमारे यहाँ बहुत कर दिया इसने, वो संके में ही मर जाएंगे। बोले कि अरे जब दूसरा ओझा उसके यहाँ देखना है, बोले कि अरे उतने बकरा दिया है, छाई दिया है। भूत नहीं कहता हमको बकरा दो, बकरी दो या मुर्गा दो, ये भूत नहीं कहता। तो लोग इतना बड़ा बड़ा लिस्ट खाने के, ये ओझा लोग अपने खाने के जरिए बनाते हैं। जो आपको बाबा जी नजर आ रहे हैं फ्रेम में, अगर मैं उनकी खासियत बताऊं तो जिन्हें भी बच्चा पैदा नहीं होता है, अगर वो इनसे संपर्क करते हैं, हालांकि इनसे तमाम लोग संपर्क करते हैं जिन्हें बच्चा पैदा नहीं होता है, और इनके पास कुछ सॉल्यूशंस है जिसके माध्यम से बच्चा पैदा हो जाता है, तो इनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे कहानी क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामराज यादव है जी। हम प्रयागराज पूरे विक्रमशाह प्रतापपुर के निवासी हैं जी। हमारे महागुरु कमलेश कुमार तिवारी हैं जी, हम उनके चेले हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है, जैसे माँ बहने हैं या बच्चियाँ हैं, जैसे ये परेशान हैं, इन्हें मतलब गोद से परेशान, इनकी गोद नहीं भर रही है, इसके इलाज हमारे यहाँ जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है, दिया जाता है, अपने घर ले जाकर अपना दवा का सेवन करें। और जैसे भूत प्रेत की वादा है तो उसको भी हम लोग काट करके साफ करते हैं, उसको भी निराला कर देते हैं, शरीर को साफ कर देते हैं, तभी तो मान लो उनको परिश्रम होगा। तो इस ढंग से हमारे यहाँ पूरा काम होता है। कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो हम बहुत साल से कर रहे हैं, हमारे महागुरु तो बहुत दिन से बैठ रहे हैं, लेकिन हम तो उनके यहाँ आज 4-5 साल से बैठ रहे हैं। तो आपके आपके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटी जिसे खाने से समस्या जो है दूर हो सकती है? तो ये जड़ी बूटी किसने बनाई है? ये जड़ी बूटी हम लोग जैसे अपने जंगल से इधर से जड़ी बूटियाँ खोज के ला के दे देते हैं। कितनी जड़ी बूटियाँ ऐसा है जो कि स्टोर दवा पर दवा स्टोर पर मिलती है? तो जंगल में जाना होता है, वहाँ से आप जड़ी बूटी ढूंढ लेते हैं? ढूंढ लेते हैं। कितनी पढ़ाई की आपने? हमने तो बहुत कम पढ़ा हूँ, लेकिन हमारी पुरानी पढ़ाई है। तो कैसे समझ लेते हैं कि यही काम आ सकता है इसमें? वो हम लोग होम्योपैथों के किताब द्वारा हम लोग खोजते हैं, उसको खोज करके काम करते हैं। कोई अस्पताल है आप लोगों का? जी नहीं, कोई अस्पताल नहीं, हम लोग केवल एक जगह। आपने सोचा ना इतना बड़ा काम है, अस्पताल खोलते तो पूरा दुनिया। हम लोग केवल समाज की सेवा करते हैं, हम लोगों से पैसे से लेने देने से कोई मतलब नहीं रहता, हम लोग कल समाज की सेवा करते हैं, किसी का उपकार हो जाता है उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। जी आज के दौर में बहुत सारे ऐसे ढोंगी बाबा भी घूम रहे हैं जो लोगों को अलग अलग चीजें बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं या फिर उनका शोषण कर रहे हैं जी? तो ऐसा आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा कभी? आरोप हम किसी एक पैसा लेते नहीं, उनका भला कर देते, आरोप क्यों लगेगा? अच्छा, आपको पैसा वैसा कुछ नहीं लेना है? जी नहीं जी, वो अपने खुशी है, वहाँ पर हमारी देवी माँ की मूर्ति पर अपने खुशी 10-5 चढ़ा के चलेगी, उसकी बात दूसरी है, लेकिन एक पैसा हम लोग किसी मांगते नहीं है, ना तो लेते हैं। तो लोग अस्पतालों में जाते हैं, हजारों लाखों खर्च करते हैं जी, तो आपका जो काम है वो उन तक पहुँचना चाहिए, तो तमाम लोग आपके पास आए? और लोग तो हमारे पास आते हैं, 100-200 आदमी एतवार मंगल शुक्र हमारे पास बराबर आते हैं, 200-400 आदमी भीड़ लगती है, लेकिन एक पैसा लेना देना ही, जिसकी जो समस्या होती है, जो हमारे दिमाग में आता है, जो हमारे बस का है उसको जो काम बड़े बड़े अस्पताल नहीं करवा पा रहे वो आप करवा रहे हैं। अब इसका तो ऊपर वाले की देन है, हम क्या करें, हम तो एक मनुष्य हैं, हम एक मनुष्य हैं, ये सब ऊपर वाला करता, मैं नहीं करता हूँ, वो ज्ञान दे देता है तो हम उसको दे देते हैं। तो कोई शोध किया आप लोगों ने, क्या कुछ ऐसा पढ़ा, क्या कुछ जानकारी इकट्ठा करी? जी हाँ, आयुर्वेदिक किताबें हम लोग पढ़ते हैं, उसी से ढूंढते हैं कि कौन सी जड़ी किस काम में आती है। किताब पढ़ के आप लोगों ने इतना बड़ा रिसर्च कर लिया? जी हाँ, जहाँ बड़ी बड़ी भारत की टेक्नोलॉजी, विश्व की टेक्नोलॉजी फेल है, वो कुछ चंद किताबों से आप लोगों ने ढूंढ लिया कि बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? कुछ ज्ञान हमको किताबों से मिलता है, कुछ ज्ञान अपने से लगाते हैं ऊपर वाले की कृपा लेकर के। ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला जो अपने से आप लगाते हैं? ये ज्ञान हम लोगों के हमारे देवी देवता जैसे माँ शारदा है, कड़े वासनी है, ये सब देवी देवता हमको देते हैं। तो आपकी बातचीत होती है देवी देवताओं से? अभी सामने सामने तो नहीं बात होती, क्योंकि अंधविश्वास लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात तो रात में 12 बजे सोता हूँ, कोई अरदास डाल दूंगा कि देवी हमें ये काम करना, तो हमको आगे साक्षात बता देती है। तो देवी जी आपके पास आती, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ। तो देवी से क्या कुछ बात करते हैं आप? जो हमको जरूरत पड़ता वही बात कर लेते हैं जी। अच्छा, तो समाज कल्याण की बातचीत आपकी होती रहती है देवी मैया? समाज कल्याण की बातचीत, मैं जब तक निंजा रहा हूँ समाज का सेवा करूँ और उनका कल्याण करूँ बस, और उनको कुछ। कैसे आपका घर बार कैसे चलता है? हमारा घर बार, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अगर मैं पैसा कमाना चाहता तो बहुत दौलत कमा लेता, हम भी हमारे महागुरु भी बहुत कमाते हैं, लेकिन हम लोग पैसा नहीं कमाते, केवल समाज की सेवा करते हैं, दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भला ऊपर वाला करेगा जी। लेकिन मुश्किल तो होगा जिंदगी जीना, जिंदगी भी तो जीना है। जिंदगी जीने का मतलब, अपने पास खेत है,
बारी है, उसमें से गल्ला उपजाते हैं, सब कुछ उपजाते हैं, अपना खाते हैं, बाल बच्चे खाते हैं, हम भी खाते हैं। तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे हम लोगों ने हाल ही में देखा, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, कि कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो ढोंग रचते हैं, तरह तरह का प्रलोभन देते हैं और तरह तरह से जो है शोषण करते हैं। ऐसे बाबाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, अब वो सब कमाने की जरिया है। कुछ ऐसे बाबाएं हैं जो कमाने की जरिया बनाते हैं, लेकिन हमको कमाना नहीं, हमको कुछ करना नहीं, हमको केवल समाज की सेवा करना। आपको लगता नहीं इन बाबाओं ने कहीं ना कहीं सबको बदनाम कर दिया है? बदनाम तो बहुत किए हैं। अभी नाम लूँ तो बहुत से ऐसे बाबा हैं जिन्होंने बहुत सी दुनिया को बदनाम कर दिया। तो बड़े बड़े बाबा लोग बदनाम कर गए। जी हाँ, तो उनसे हमको क्या लेना देना है, हम अपने काम से काम रखते हैं। जी 2022 में फिर से चुनाव आ रहा है, जितने भी राजनीतिक लोग हैं बाबाओं के यहाँ मत्था टेकते हैं, तो आपके यहाँ कोई आया कि नहीं? नहीं आते हैं, लेकिन अभी तो मतलब दूर तक के लोग हमारे पास नहीं आए, जैसे बड़े बड़े हैं नेता लोग, ये लोग कभी हम लोगों से संपर्क नहीं किया। जैसे छोटे मोटे गांव देश का विधानसभा ये सब प्रधान आपके पास आते हैं? जी हाँ, ये लोग आते हैं। सरकार किसकी बनेगी बताएंगे कुछ सरकार के बारे में? सरकार के बारे में आप पूछते हैं तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। फिर भी अगर आप बताना चाहेंगे कौन जीत सकता है, आप किससे चाहते हैं? देखिए चाहने किसी में बात नहीं है, चाहने की बात जनता चाहती है, जनता जिसको चाहेगी वही आप भी तो हमारे एक वोट से तो कोई जीतेगा नहीं, एक एक वोट ऐसे गिनेंगे तो बहुत वोट हो जाएगा, लेकिन जनता जिसको बनाएगी वही बनेगा। आपका कोई है नहीं जिसे आप चाहते हैं? हमने राजनीतिक से आज तक कभी जुड़े नहीं, राजनीतिक का हमने काम किया, हमने केवल समाज की सेवा की नहीं है, हम केवल सामाजिक सेवा के हिसाब पे रहते हैं। जब राजनीतिक वाला कोई जुड़ेगा तब मैं उससे बात करूंगा, तब जुड़ूंगा। तो आपके आशीर्वाद से कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे? यही कोई 150-250। अब तक 250-250 बच्चे केवल आपके आशीर्वाद से आ गए हैं दुनिया में? हमारे नहीं, हम तो चेले हमारे महागुरु के आशीर्वाद। कौन है आपका गुरु? उनके हमारे महागुरु कमलेश तिवारी, उनके बारे में बताइए कुछ। तांत्रिक हैं वो? जी हाँ। आप भी तांत्रिक है कहीं ना कहीं? भाई अब उनका ज्ञान तो हमको मिले। तो ये जादू टोना सही होता है कि सब झूठ होता है? नहीं देखिए ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास। हमने जो चीज देख लिया वो जैसे सामने हमारे मरीज आ गया, हमने उसको देख लिया वो ठीक हो गया, तो वही विश्वास है। अगर वो नहीं ठीक हुआ तो अंधविश्वास है। तो ये जो भूत पिशाच तरह तरह की चीजें हैं जिनका आप लोग निवारण करते हैं, ये हैं सच में हैं कि बस हैं? है, लेकिन जब उस क्रिया में जो जाता है जिसके ऊपर पड़ता है उसको मालूम पड़ता है। हाँ। बाकी सबको नहीं मालूम पड़ता। भूत है? अच्छा, ये नहीं भूत नहीं है, है भूत। भूत है? भूत तो ऐसा होता है कि घर के अंदर शांत प्रापत नहीं पढ़ने देता है, 10 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपये का खर्च बना देता है, बहुत ऐसे कलाएं हैं। और वो सब कौन करते जानते हो? ओझा लोग। ओझा लोग करते हैं? अगर देखिए भूत किसी को परेशान नहीं करता है। भूत परेशान कब करता है? जैसे मधुमक्खी का छत्ता लगा है, वो अपनी जगह बैठी है, उसको अगर नहीं खोदोगे तो उसमें से मक्खी उगेगी नहीं, तो भागेगी नहीं। भूतों को जब उसको खोद देते हैं तो मक्खी उधर आने लगती, तो वही भूत प्रेत बनता। तो जितना इधर का उधर है सब ओझा लोग करते हैं जी। आप लोग भी ओझा हैं? नहीं हम लोग तांत्रिक। आप लोग तांत्रिक और ओझा में क्या अंतर होता है? हाँ, ओझा का मतलब दूसरी क्रिया होती है, तांत्रिक का क्रिया दूसरी होती है। तो क्या अंतर अगर आप जनता को समझाना चाहें? समझाने का मतलब है जो तांत्रिक है वो ओझा जैसे ओझा ही नहीं करेगा, वो अपना बैठेगा और निगाह से देख ला, देखने के बाद उसको काट करके बगल कर देगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, केवल अपने मन द्वारा उसको काट के बगल कर देगा। ओझा जो है कान में उंगली डालेगा तो ओझा ही करेगा, थानवा पानवा रहना ये सब बातें करेगा, तो ये सब बातें हमारे लोग पास नहीं। तो आपको लगता है इन ओझा लोगों ने भी समाज को तरह तरह से परेशान कर दिया है? बहुत ज़्यादा ना जी, सारे तमाम भूतों को जागृत कर दिया भाई है। भाई हम अगर उसके यहाँ तो उसके यहाँ से उसके यहाँ उठा कर देंगे। तो ये लोग ओझा लोग कर सकते हैं यहाँ का भूत वहाँ? और ओझा लोग तो अंधविश्वास में इतना भी भूल जाते हैं, जैसे अगर बगल में किसी के यहाँ कोई ओझा बैठ गया तो बोले कि साला हमारे यहाँ भूत कर दिया इसने, वो संके में ही मर जाएंगे। बोले कि अरे जब दूसरा ओझा उसके यहाँ देखना है, बोले अरे उसने बकरा दिया है, छाई दिया है, तो बोलेगा भैया लो हम भी दे देते हैं। बकरा वकरा किसको दिया जाता है जब ओझाई होती किसी है? को नहीं, अंधविश्वास सब है, बकरा वकरा सब ये सब आंध। हम लोग कोई खून खच्चर नहीं देते हैं, कुछ नहीं, ये सब केवल लूट घसोट के खा रहे हैं, ये सब लूट घसोट है। बाकी ये भूत नहीं कहता हमको बकरा दो बकरी दो या मुर्गा दो, ये भूत नहीं कहता। तो लोग इतना बड़ा बड़ा ये ओझा लोग अपने खाने के जरिए बनाते हैं,
जी। हर गांव में मुझे लग रहा है एक दो ओझा जरूर होंगे। हाँ है। और हर गांव में ऐसे लूट खसोट खा रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ नहीं है। ये लोग कहते हैं हम लोग जो है देवी देवताओं से बात करते हैं, आपकी सारी समस्या का निवारण करते हैं। ये सब गलत बात है, मैं नहीं मानता इसको। अगर देवी देवता जिसके ऊपर आ गए अगर निश्चल रूप से, तो साला जल के भस्म हो जाएगा। सही बात है ना, वो जल के भस्म हो जाएगा। रात को 12 बजे हमारे ऊपर देवी माता सवार हो जाती हैं। किसको? ओझा लोग कहते हैं। हाँ कहते हैं, लेकिन एक गलत बात, मैं नहीं मानता इसको। अगर देवी लोग अगर डील पे आ गए शरीर पर, अगर निश्चल रूप से केवल साग आती है, जैसे देवी को हमने बुलाया तो केवल साग देगी। मैं दूसरा कुछ बोलना चाहता हूँ तो दूसरी ही बात जो जो उसके दिल में वही बताएगी वो। ये अंधविश्वास है जो बोलते हैं कि देवी आती है, बात करती है, ये करती वो करती। जब निर्छल देवी आ जाएगी तो मनुष्य जल के खाक हो जाएगा। ये दिमाग कहाँ है आपका है? तांत्रिक जी मुझे एक बात बताइए, ओझा लोग कहते हैं 5,000 में एक भूत भगाएंगे, 10,000 देंगे तो 2 भूत भगा देंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जनता बहुत परेशान है इस बात से। इसके बारे में हमारे पास है नहीं मालूम, मैं एक पैसा नहीं लेता हूँ। कुछ आप नहीं लेते हैं जो ओझा लोग लेते हैं? सच में पैसा से भूत भाग जाएगा? 5,000 में एक भूत भाग जाएगा? जी नहीं, कभी नहीं भागेगा। पैसे वाले कभी काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं पैसा नहीं लेता। तो ये बताइए भूतों को भगाना संभव है कि नहीं? संभव है। है संभव? है संभव। कैसे भगाया जा सकता है भूतों को? भगाने का मतलब है उसको जैसे जिस ढंग से वो है उसी ढंग से उसकी क्रिया कर दो, वो चला जाएगा। ये कोई जरूरी कम उसको बकरी दे, बकरा दे, मुर्गा दे, तभी हो जाएगा। अरे चलो दूसरा वाला दिया है ठीक है, लेकिन हमारे पास नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से रख देंगे? हम चरौरी बिन्नत करेंगे उससे, चरौरी बिन्नत करेंगे उसको, बोलेंगे भैया तुम जाओ। तो मतलब आप ये कह रहे हैं जितना ओझा लोग हैं सब बेवकूफ़ बनाए पड़े हैं समाज को? जी हाँ, ओझा लोग समाज को बेवकूफ़ बनाए हैं और बना के रखते हैं। जी और कुछ बताना क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से, किस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकते हैं? भाई मदद तो जब क्या आप लोगों के लिए क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं थोड़ा बताइए लोगों को। हम यही करते हैं जी, सामने आ गए आप, हमने देख लिया आपके पास सही है तो हटा देंगे। और दूसरी बीमारी तो उसकी भाई हमारे पास जो ज्ञान है, जो बुद्धियां विवेक है, उसका दवा देंगे। अब यही कर सकते हैं और क्या करेंगे। तो जो बच्चा पैदा होगा दवा से ही, दवा के माध्यम से ही नहीं, नहीं, निवारण होगा। उसमें जैसे एमसी की बातें होती हैं और चीज की बातें होती हैं, उम्र समय की बात, अब बोलो कि 80 साल का उम्र है तो उसको थोड़ी बच्चा पैदा होगा, उम्र समय की बात होती है। उम्र समय है, दवा होगा, इलाज होगा, ऊपर वाला माँ शारदा ने चाहा तो उसका उपकार जरूर होगा।